सवाल हमारे मन में जरूर रहता है, वो है अपना शरीर का बढ़ता वजन, और एक है कि एक फैट चर्बी, इधर इधर जो चर्बी बढ़ती है या फिर बेली फैट, जिस टाइप का भी फैट हो हमें बहुत टेंशन खाई जाती रहती है, और इसके ऊपर हमें उपाय मिलता नहीं है। हम बहुत से उपाय करके देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उसका हल नहीं मिलता है। हम डाइट करते हैं तो बजट के चक्कर में हम पीछे हट जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे में अगर आप एक घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके अंदर ये चर्बी है, आपका जो वजन है कभी कम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मैं तो जिम ट्रेनर नहीं हूँ या फिर कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ या फिर जिम एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये एक महीने में जो भी मैंने किया है, एक्सपीरियंस लिया है, और मेरा तो खुद का 5 किलो वजन कम हुआ है। जैसे कि मेरा टोटल वजन था 82 kg पहले, और अभी वजन है 77 kg, और मेरा टारगेट है 70 kg तक। तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, मैंने जो पाया है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको उसमें से कुछ सीखने को मिले और आपको भी फायदा हो। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं कोई जिम ट्रेनर नहीं हूँ, जिम एक्सपर्ट नहीं हूँ, बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। आप देख ही सकते हैं बॉडी बिल्डर कौन होता है, जिसकी मसल होती है, जिसके चेस्ट होते हैं, जिसके ट्राइसेप होते हैं। मेरा सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने पर ध्यान दे रहा हूँ, और जो मेरी ये पर्सनैलिटी है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ए लेवल में आ जाए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा चेस्ट और बाइसेप के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ कि हमें सुबह उठने से रात को सोने तक हमें क्या क्या करना है, और ये सब मैं वीडियो एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। स्किप ना करे, लास्ट तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं एक चाय से। अभी हम पानी गर्म करने के रखते हैं, और जैसे ही पानी गर्म होता है उसमें हम हनी यानी कि मध डाल देते हैं और उसे अच्छे से मिलाते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए, एक चम्मच मध अच्छे से मिलाया, और उसके बाद आधा कटा हुआ नींबू उसमें डाल देंगे और अच्छे से दोनों मिला लेंगे। देखो, अच्छे से मिला लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बन चुका है मेरा मॉर्निंग टी, आप भी पीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीने के बाद 40 मिनट का रेस्ट दीजिए, 40 मिनट तक कुछ भी ना पिए खाए, उसके बाद ही नाश्ता कीजिए 40 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल चाय पी रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चाय है वो एकदम अपने शरीर के लिए हानिकारक है, उसे बंद कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो चाय पीना तो ग्रीन टी पीजिए या फिर ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, उसका आप पी सकते हैं। लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा कि सुबह सुबह यही पीजिए या फिर ग्रीन टी पीजिए, तो आपको अच्छा असर मिलेगा, आपको बॉडी का जो वेट है वो कम करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइट, एक्सरसाइज के अलावा। एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है डाइट। अभी आप सोच रहे होंगे कि डाइट करने में तो बहुत खर्चा होता है, उसमें दूध, काजू बादाम बहुत कुछ लेने पड़ते हैं, तब जाके वो डाइट फॉलो होता है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम पड़ रहा है और थोड़ी कड़की आ रही है, अभी लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो चावल खाते हैं यानी कि राइस, वो बंद कर दीजिए। राइस को हाथी मत लगाए, भूल जाइए 3-4 महीने के लिए। और आप जो बिरयानी खा रहे हो और चाइनीज प्रोडक्ट है, स्पाइसी प्रोडक्ट, स्पाइसी जो चीज़ खा रहे हो, ऑयली जी चीज़ खा रहे हो, वो बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मानता हूँ कि वो बहुत कठिन है, बंद कर दीजिए। मैंने तो बंद कर दिया है, 1 महीने से मैंने चावल नहीं खाया हुआ है, और मैंने जो स्पाइसी चीज़ है जैसे कि चाइनीज बिरयानी, उसको मैंने हार्ड भी नहीं लगाया हुआ है। सिर्फ दोपहर को 4 रोटी और सब्जी, और रात को 4 रोटी और सब्जी खा रहा हूँ, बस इतना ही। और मॉर्निंग में थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, और बीच बीच में कभी केला, सफरचंद, ऐसे में खाते रहता हूँ, तो मेरा दिन का जो खाना है वो मेरा हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना खाना, उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, और जो राइस है उसे बंद कर दीजिए, तो आपके ऊपर जो असर है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेगा। और आपको 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ 101% आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये है आज का टिप,
और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज कौन से करने चाहिए और मैं कौन सा एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज करेंगे तो अपना जो बॉडी का जो पर्सनैलिटी है उसे शेप होने में मदद मिलती है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ आपको हेल्पफुल है नहीं है, लेकिन मुझे हेल्पफुल हुआ, मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, इसके लिए मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि मैं 2 महीने से जिम कर रहा हूँ, उसमें से 1 महीना था जो पहला महीना था उसमें मैंने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, मैं दबा के खा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था तो उसमें मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। हाँ थोड़ा मसल मजबूत हो रहे थे, थोड़ा जो बॉडी फिटनेस है मजबूत तो हो रहा था, लेकिन जो मेरा वजन है वो कम नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे एडवाइस दिया कि खाने पे ध्यान दे, जो तू खाना खा रहा है उसे स्किप कर और जो मैं बता रहा हूँ वही तू ले तो तेरा वजन 100% कम होगा। और मैंने ऐसा ही किया और मेरा वजन अभी कम होने लगा है और मेरा जो टारगेट आपको बताया था 70 kg वो भी मैं 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर मैं कर लूंगा। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना
आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो आपके सामने लाते रहता हूँ। मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर टाइप जो है वो मैं बताता नहीं हूँ। मेरे इस कैमरे के सामने जो भी मैं बता सकूँ, जो भी एक्सपीरियंस में जो मैं लेता हूँ आपके सामने शेयर कर सकूँ, उसमें मैं कोशिश करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।